स्कूली बच्चों को पेपर देने के बाद रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है। कई बच्चों में डर का माहौल भी बना रहता है। और इस बीच आज CBSE बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। राजधानी देहरादून में 12वीं का रिजल्ट 85.39% रहा। पूरे 16 रीजन में से देहरादून जिला 15वें स्थान पर रहा है। वहीं हम ऑल ओवर रिजल्ट की बात करें तो लड़कियां लड़कों पर भारी दिखी हैं। लड़कियां लड़कों से 2 कदम आगे रही, लेकिन अगर बात करें टॉपर की तो ऋषिकेश के अविनव उनियाल ने 99.60% अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। अविनव DSB इंटरनेशनल स्कूल गुमानीवाला के छात्र हैं और अविनव की सफलता के बाद उनके घर और स्कूल में जश्न का माहौल बना हुआ है। उनके परिजनों में खुशी की लहर है। आइए आपको सबसे पहले अविनव से मिलवाते हैं। मेरा नाम अविनव उनियाल है। मेरे क्लास 12th में 99.6% आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्राउड मोमेंट है और मेरे फ्रेंड्स और पेरेंट्स और टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। अच्छा, तो आजकल जैसे बहुत है सब पेरेंट्स को मतलब ध्यान देना चाहिए। आजकल जैसे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन तो है, बट एक बच्चे की अपने अंदर से भी इच्छा होनी चाहिए पढ़ने के लिए। क्या पता उसका इच्छा किसी और चीज़ में हो, तो हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, सपोर्ट मिलना चाहिए। यस। अविनव उनियाल की बात करें तो वो मूल रूप से टिहरी जिले के बिलेश्वर गांव के निवासी हैं, लेकिन वो अपने परिवार के साथ पिछले 15 साल से गुमानीवाला स्थित चीनी गोदाम वाली गली में रहते हैं। उनके पिता विदेश में रहते हैं, जहां से वो अविनव की पढ़ाई और परिवार का खर्च भेजते हैं। अविनव ने बताया कि वो रोजाना 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई करता है। उनका कहना है कि वो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं और मोबाइल का इस्तेमाल कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए ही करते हैं। अपने अपने अपनी सफलता का श्रेय अपने टीचर्स और अपनी माँ को दिया है। इसके अलावा उन्होंने छात्रों को मैसेज दिया है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, निरंतर पढ़ते रहिए और अध्यापकों के बताए रास्ते पर चलते रहिए। टॉपर अभिनव ने बताया कि वो भविष्य में इंजीनियर बनना चाहते हैं। चलिए अब हम आपको अभिनव की माँ से मिलवाते हैं, जो अपने बेटे की सफलता से बेहद खुश हैं। मेरा नाम यशोदा उनियाल है और बेटे ने मतलब बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी, सुबह से रिश्तेदारों के सबके फ़ोन भी आए जा रहे हैं बधाइयाँ देने के लिए। तो आपको पहले से उम्मीद थी, बच्चे को देख के लगता ही है? हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मेरे बेटे ने 10th में भी टॉप करा था। हाँ जी सर। शुरू से बचपन से कैसा था पढ़ाई? बचपन से ही वो बहुत अच्छा था, वो हमेशा टॉपर आता है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं, आपकी कौन से फील्ड में जाएगी? वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है सर, क्योंकि बच्चे की उसमें ही हमारा, हम उसे उसके मकसद से भटकाना नहीं चाहते। बच्चे का जो एम है वही करेगा, हमने खाली उसे सपोर्ट करना है। वहीं इस बार CBSE के देहरादून रीजन में 10वीं में 93.03% छात्र पास हुए हैं, जबकि अग्रिमा प्रधान ने देहरादून रीजन में टॉप किया है। ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।